आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। हमें बजट का अलॉटमेंट होना चाहिए जो 33% हमारी पॉपुलेशन है, तो हम चाह रहे हैं कि इतना ही हमें फंड अलॉट हो। अभी हालात ऐसे हैं कि 5% से भी कम जो है वो बजट अलॉट हो रहा है। किसका 5%? ये टोटल आउटले का ऑफ द स्टेट। सेंटर का भी आता है लेकिन सेंटर का चलो जो भी है उसका भी। हमारी SC ST पॉपुलेशन धर्मपाल चंद्रा हूँ और स्टेट कॉलिशन फॉर द लेजिस्लेशन ऑफ SC ST सब प्लान, उसके सिलसिले में हम जिलाधीश महोदय चंबा को मिलने आए थे और उनको आज हमने मेमोरेंडम दिया है। जो हमारा SC ST डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फंड्स आते हैं उसके अंदर बहुत सा घपला हो रहा है। जो हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से SC ST की पॉपुलेशन के हिसाब से जो फंड्स मिलने चाहिए उसके 5% भी नहीं मिलता है और उसके अलावा उसमें से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्शन हो जाती है दूसरे जनरल हेड्स में। तो हम इसमें मेंबर्स आए थे, हमारे साथ जो श्री KL शाह हैं, शाह जी हैं, आदरणीय KL शाह जी, ये HES रिटायर्ड हैं, विशाल जी हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके अलावा मदन चंद्रा हैं और भूपेश मरोल जी हैं और प्रीतम जी हैं, ये सभी अलग अलग समाज से लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें समीक्षा करने से पहले इस आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब ये संविधान बनाया तो उसमें बहुत से प्रावधान किए और उसमें बराबरी का हक सबको पूरे देश को बराबरी का हक दिया। तो उसमें जो आर्टिकल 38 है उसमें ये बताया गया है कि जो हमारे बीच में आर्थिक असमानता है, जो गरीब है और अमीर है उसके बीच की जो खाई है उसको पाटने की कोशिश होनी चाहिए और उसके लिए जो भी प्रावधान सरकार को करना है वो करना चाहिए। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि गरीब गरीब और अमीर अमीर होता जा रहा है और आज ये हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 10% जो धन्ना सेठ हैं उनके पास 90% की धन संपत्ति है और जो 90% की आबादी है उसके पास सिर्फ 10% की धन संपत्ति है। तो ये खाई आगे भी बढ़ती जा रही है। तो इसके अलावा फिर 19 जो आर्टिकल 46 है 46 है इसी संविधान का, उसमें ये दिया गया है कि जो विशेष समुदाय है जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो बैकवर्ड हैं उनके लिए कोई स्पेशल प्रावधान किया जाए सरकार की तरफ से,
ताकि इनका जो स्टेटस है, इनका जो हालात है वो सुधर सके। इसी कड़ी में आगे जोड़ते हुए 1970 में जो है वो ट्राइबल सा प्लान बनाया गया, उसमें ट्राइबल के लिए अलग फंड्स की प्रावधान किया गया। फिर 1979 में जो है इसका कमीशन बनाया गया, शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब कमीशन बनाया गया, और 1980 से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई। तो ये 2080 तक, तो ये 2080 से छवीं जो वार्षिक ये 5 साल परियोजना थी वहाँ तक ये कोई इसमें फिक्स नहीं था कि कितना धन देना है इस कम्युनिटी के लिए, लेकिन मिलता रहा। और 2010 में फिर जो है वो इन्होंने एक कानून बना दिया, एक नोटिफिकेशन कर दिया कि भाई इसमें 25% जो है वो टोटल आउटले का जो है वो इस समाज को मिलना चाहिए। तो वो 25% बजट आता रहा और उसको वो कहा ना एसटी स्पेशल कंपोनेंट प्लान। फिर 2015 में जो है वो फिर इसका बदल दिया और इसको बोला एससी एसटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक नीति आयोग बनाया, उसके अंदर ये कर दिया। उसमें बजट का कोई लेखा जोखा नहीं था कि कितना परसेंटेज बजट जो है इस कंपोनेंट में देना है। तो हालात बिगड़ रहे हैं। आज हालात ऐसे हैं कि 5% से कम भी जो स्टेट को है ये बजट मिलता है जो हमारी प्रोपोर्शन में, जबकि 33% होना चाहिए। और 2023-24 के में बजट का मैंने अवलोकन जब किया अभी इसी साल का, तो इन्होंने 1118 करोड़ का बजट जो है ये सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जो है हमारे स्टेट को दिया गया था, उसमें से केवल जब मैंने कंपोनेंट वाइज देखा एक एक जो हमारे लोगों को क्या दिया गया है हमारे कामों के लिए, एक एक काम जब देखे तो केवल 19 करोड़ ही उसमें निकले। और उसमें सबसे अचंभे वाली बात ये थी कि उसमें दिया हुआ था कि जैसे हरिजन बस्ती को सड़क का निर्माण, तो हरिजन तो शब्द वैसे ही निषेध कर दिया गया हुआ है, लेकिन सरकार अभी भी हरिजन शब्द को इस्तेमाल कर रही है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस हरिजन शब्द को भी इससे निकाला जाए। तो यही स्थिति जो है वो पूरे देश में थी। तो देश में तेलंगाना ने सबसे ज़्यादा पहल की और उन्होंने अपने स्टेट में एक दलित सेंटर फॉर दलित स्टडीज़ हैं, उनके मल्लपलई जो लक्ष्मणैया जी हैं उन्होंने इसका आर्किटेक्चर के तौर पर काम करके इसमें ये एक एक्ट बनाया एससी एसटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। और वो और एक नागार्जुन वो मार्च में फिर हमारे यहाँ स्टेट में आए, तो हमने भी इसको मार्च में इस मुहिम को शुरू किया कि भी इसको आगे कैसे ले जाना चाहिए। तो तेलंगाना में जो इस समय स्थिति है जो पहले थी और अब जो स्थिति है वो बहुत भिन्न है। पहले अब जो 20 लाख तक जो है वो बच्चे को बाहर विदेश में जाने के लिए सिर्फ फ्री में पैसा मिलता है ताकि बच्चे जो हैं वो बाहर जाके दूसरे देश में जाके पढ़ाई कर सकें, और उसमें को बिल्कुल फ्री मिलता है, जबकि पूरे और 243 लोग जो हैं वो एक स्टेट से जाते हैं बच्चे हमारे पढ़ने के लिए, लेकिन पूरी देश से जो है 115 बच्चे जाते हैं। उसके अलावा लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपया मिलता है, इंटरकास्ट मैरिज में 2.5 लाख रुपया मिलता है, बच्चों के 680 तो ऐसे स्कूल बनाए हैं जो वर्ल्ड क्लास के एक्सीलेंस स्कूल हैं, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, उसमें लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग, प्राइमरी अलग, सीनियर सेकेंडरी अलग और कॉलेज अलग। तो उसमें फ्री एजुकेशन है, फ्री हॉस्टल है, सब कुछ फ्री है। 850 के लगभग इन्होंने और इंस्टीट्यूशन बनाए हैं जो जैसे कोचिंग के सेंटर दूसरे वो है ना इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा भूमिहीन जो बहुत गरीब परिवार हैं एससी एसटी में, उनकी महिलाओं को 3 एकड़ तक मुफ्त में ज़मीन मिलती है, वो सरकार खरीद के देती है। तो इस तरह से और भी बहुत से शिक्षा में और आर्थिक स्टार्टअप के लिए फ्री में बहुत लोन मिलता है, लोन के सहायता मिलती है। तो इस तरह से तेलंगाना ने इसके लिए बहुत राइज किया है। और तेलंगाना के बाद अब राजस्थान में आपके कर्नाटका में, उत्तराखंड में, राजस्थान में और तमिलनाडु में भी इसमें पास कर दिया है कैबिनेट ने, और इसको जो है अभी विंटर सेशन में उसको पास कर देंगे तो वहाँ भी कानून बन जाएगा। तो 5 स्टेटों में ऑलरेडी कानून बन चुका है,
हमारा भी प्रयास है कि इसको हम कानून बनाएं जो हमारी पॉपुलेशन 33% है उसके बराबर बजट मिले। अगर वो मिलता है तो हमें 15 से 20 हज़ार करोड़ का बजट मिलेगा, जो अभी केवल 19 करोड़ रुपया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए कितनी सहूलत हो जाएगी और कितना वो आगे निकल जाएंगे। और इस संदर्भ में हमने मार्च से लेकर काफ़ी मीटिंगें की हैं लोगों से, हमारे समाज के जितने भी तबके हैं उनसे रेजोल्यूशन से इकट्ठे किए हैं, और इनको हम जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। हम विधानसभा जो पिछले महीने थी वहाँ शिमला गए थे, तो शिमला में हमारे जो ये सोशल एम्पावरमेंट के जो मंत्री महोदय हैं धनीराम शांडिल साहब, उनसे मिले, और जगत सिंह नेगी जी से भी मुलाकात हुई। तो उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि जो शेड्यूल कास्ट का जो बजट है वो 98% डाइवर्ट होता है, और शेड्यूल ट्राइब का जो है 93% डाइवर्ट हो जाता है दूसरे मदों में। तो शांडिल साहब ने ये कहा कि भाई आप जो है एमएलए से भी एक रेजोल्यूशन बना के उन पे दस्तखत ले लो, सिग्नेचर्स ले लो, ताकि वो उनकी रिकमेंडेशन मानी जाएगी। वो हमने रिकमेंडेशन ले ली हैं, सबसे दस्तखत करवा लिए हैं एमएलए साहिबान से, और अब हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जो स्टेट का कोएलिशन का जो ग्रुप है जिसमें हमारे जितने भी समाज के लीडर्स हैं वो जाके हम समय लेंगे। तो सीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि हमारा ये कानून बनाया जाए, और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें कानून बनेगा और हमारे लोगों का बहुत इसमें भला होगा। मेरा अनुरोध है जो भी ये सुन रहे हैं कि इस मुहिम को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जाए, ताकि जन जन के अंदर ये पता होना चाहिए कि हमारी हकमारी कहाँ हो रही है, कितना हमें धन मिलना चाहिए और कितना हमें मिल रहा है, ताकि कल को अगर कोई और बात करने की ज़रूरत पड़े तो हम उसके लिए तैयार रहे। तो मैं इतना ही कहता हुआ आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। और मैं धर्मपाल चंद्रा हूँ और स्टेट कॉलिशन लेजिस्लेशन के जो सब प्लान बना हमारे आता है, स्टेट कॉलिशन लेजिस्लेशन फॉर एससी एसटी सब प्लान के लिए ये बनाई गई है। इसमें सब समुदाय के लोग जो हैं एससी एसटी के, वो इसमें शामिल हैं पूरे स्टेट के, और इसके अलावा जो एनजीओज हैं वो भी इसी में आते हैं। इसके अलावा जो भी न्याय पसंद लोग हैं दूसरे कम्युनिटीज़ के भी, वो भी हमारी कॉलिशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो हमारे जैसे मैंने पहले कहा था कि भाई इसमें जो बजट है वो हमें हमारी पॉपुलेशन जो इस वक्त स्टेट में 33% है, 24.5% लगभग एससी की है और 8.5% लगभग जो है वो एसटी की है, उसके प्रोपोर्शनेट में हमें जो बजट का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अभी तक जो हमने देखा है वो 5% से भी कम बजट हमारे इसमें एससी एसटी डेवलपमेंट प्लान के लिए वितरित होता है। उसमें से भी बहुत सा पैसा जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कोई बड़ी सड़क बन रही है, कोई भवन बन रहा है, कोई स्टेडियम बन रहा है। बल्कि यहाँ तक था कि जब कॉमनवेल्थ गेम हुई तो उसमें जो बजट खर्च हुआ उसमें से वो एससी एसटी सब प्लान में से ही पैसा उसमें भी खर्च हुआ है, और अभी भी जो सेंटर से भी हमें कोई पैसा आता है हमारी स्टेट को, तो उसमें जो स्टेट का शेयर होता है उस वो शेयर जो है वो जनरल बजट के बजाय वो एससी एसटी सब प्लान में से ही दिया जाता है। तो ये तो एक किस्म से हमारे लिए बहुत एक हकमारी हो रही है, और समझ लो कि हमारे आँखों में धूल झोंकने वाली बात है, क्योंकि इसीलिए जो हमारा जो समाज जो है वो ऊपर उठ नहीं पा रहा है। एजुकेशन में हालत ख़राब है, हेल्थ की हेल्थ में हालत ख़राब है, और जो रोज़गार है उसमें तो बच्चे पढ़ लिख के भी जो है वो बेरोज़गार बैठे हुए हैं और गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि वो जो पैसा चाहिए उनको ऊपर उठाने के लिए
वो हमें मुहैया नहीं हो रहा है। तो मैं अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए जो है वो आंकड़ों के साथ आपको इसमें प्रदर्शित करता हूँ। तो इसमें जैसे मान लो 2016-17 की मैं बात करूँ तो इसमें स्टेट जो बजट दिया गया था वो 39,851 करोड़ था, लेकिन उसमें जो बजट हमें मिला एस सी एस टी सब प्लान में मिला वो 1076 करोड़ मिला। इसी तरह 2018-19 में 41,440 करोड़ के बजट में से 1309 करोड़ मिला। इसी तरह 2019-20 में 44,388 करोड़ में से 1562 करोड़ जो है वो एस सी एस टी सब प्लान में बजट मिला। उसी तरह 2021 में 49,131 करोड़ में से 1752 करोड़ हमें बजट का प्रावधान किया गया। और इसी तरह 2022-23 में 46,023 के बजट करोड़ के बजट में से 2400 करोड़ बजट मिला है। तो इसके इतना कम ये समझ लो कि 4-2% के बीच में ये बजट बनता है। और इसमें से भी जो है वो बजट डाइवर्ट हुआ है, जैसे 2017-18 में 101.3 करोड़ का बजट डाइवर्ट कर दिया। इसी तरह 2018-19 में 75.87 करोड़ का बजट डाइवर्ट कर दिया। 2019-20 में 1925 करोड़ का बजट डाइवर्ट किया। और 2020-21 में 791.04 करोड़ का बजट डाइवर्ट हो गया। और 2021 में 482.18 करोड़ का बजट जो है डाइवर्ट किया। और जैसे मैंने पहले कहा था कि 23-24 का जो मैंने आंकड़ा बताया था कि टोटल सोशल एम्पावरमेंट ने जो हमें बजट अलॉट किया वो 1118 करोड़ का था, लेकिन उसमें से अगर हम मदवार सूची निकालें कि जो वाकई ही एस सी एस टी के मद पे खर्चा हुआ है तो वो केवल 19 करोड़ का था। तो वो तो 0.2% भी नहीं बनता। किस कार्यकाल में ये जो है वो बजट की कटौती हुई है या डाइवर्ट हुआ है? तो ये मैंने आपको फिगर दी 2016-17 से लेकर और 23-24 तक। तो ये तो फिर दोनों के कार्यकाल, भाजपा के कार्यकाल भी और कांग्रेस के कार्यकाल में, दोनों के कार्यकाल में हो रहा है। और वैसे देखा जाए तो मैंने जो आपको बताया था कि ये 1980 से प्लानिंग कमीशन शुरू हुई थी, तो तब से लेकर अब तक जो हमें बजट मिल रहा है वो इसी रेशो में मिल रहा है। तो सरकारें तो कांग्रेस की भी आई, भाजपा की भी आई, तो और देश में जो है वो सेंटर में जो है वो दूसरी सरकारें भी आई, लोकल रीजनल भी आई। सरकारें जो एस सी एस टी वर्ग का हितैषी होने का दावा करती हैं तो उसमें फिर कितनी सच्चाई रह जाती है? नहीं तो इसमें तो आंकड़ों को अगर देखा जाए और धरातल में भी देखा जाए तो आंकड़ों ये सच्चाई तो है ही नहीं। ये तो जस्ट क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि एस सी एस टी सब प्लान बजट होता क्या है। ये हमारे बल्कि जो नुमाइंदे हैं उनको भी नहीं पता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं हमारे उनको भी नहीं पता है कि भाई ये प्लान होता क्या है। तो लोग इस बात के लिए अनभिज्ञ हैं इसलिए उनको कोई पता नहीं लगता। अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई हमारी हकमारी हो रही है और ये हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। हिमाचल में एक ट्राइबल मिनिस्टर है जो ट्राइबल एरिया से है, एक एससी वर्ग से मिनिस्टर है, तो क्या उन दोनों के ध्यान में ये बात लाई है तो उनका क्या कहना है? हाँ, हम विधानसभा जो अभी 5 तारीख से शुरू हुई थी अक्टूबर में, उसमें हमारे कोलिशन के जो सदस्य थे वहाँ गए थे इसी सिलसिले में। तो माननीय श्री धनीराम शांडिल जी जो अधिकारिता और सामाजिक न्याय मंत्री हैं उनसे भी मिले, उन्होंने भी यही रोष व्यक्त किया, बल्कि खुद सरकार में होते हुए कि भई ये वाकई इसमें हकमारी हो रही है और आप इस मुद्दे को उठाओ और हम आपके साथ हैं। और उन्होंने ही बल्कि सुझाव दिया था कि एमएलए जो साहिबान हैं उनसे भी ये एक रेजोल्यूशन पे हस्ताक्षर ले लें ताकि वो भी एक हमारे जो 17 SC के MLA हैं और 3 शेड्यूल ट्राइब के MLA हैं तो इनका एक किस्म से रिकमेंडेशन हो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए कि हमारी ये डिमांड है उनकी तरफ से। और उसके अलावा जगत प्रसाद नेगी जो है उनसे भी हम मिले, वो रेवेन्यू मिनिस्टर और
जनजातीय क्षेत्र के मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने भी, बल्कि ये आंकड़ा उन्होंने ही दिया था कि जो 98% जो डाइवर्शन है वो शेड्यूल कास्ट के सब प्लान में से हो रहा है और 93% जो है वो शेड्यूल ट्राइब में के कंपोनेंट प्लान में से हो रहा है। तो सर दोनों खुद मंत्री हैं, दोनों के पास वही डिपार्टमेंट हैं, तो जो उनके डिपार्टमेंट में ही डाइवर्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं फिर? अब ये तो देखो ऐसा होता है कि हर एक जो सरकार होती है उनकी अपनी अपनी विचारधारा होती हैं, तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो सरकार में रहते हुए, लेकिन वो इस मुद्दे में हमारे साथ हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास लेके चलेंगे और इसको हम अप्रूव करवाएंगे, इसको मान्य करवाएंगे और इसका कानून बनवाएंगे। सर आज जो ज्ञापन दिया उसके बारे में बता दें। आज जो हमने माननीय जिलाधीश महोदय चंबा को ज्ञापन दिया, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की और सवाल जवाब भी किए, हमें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने भी यही कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसा है तो हम इसके लिए सरकार को इसकी रिकमेंडेशन भेजेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका ये जो सब प्लान का जो आपके प्रोपोर्शनेट आप मांग रहे हैं वो आपको बजट मिले और उसके लिए कानून भी बने, ताकि आने वाले दिनों में कोई इसमें डाइवर्शन करता है या कोई इसमें हेरा फेरी करता है तो उसके अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ एक्ट में जो है वो FIR हो सकती है और कानूनी कार्रवाई उस अफसर के खिलाफ हो सकती है। जय हिंद।